स्टडी आईक्यू आईएएस, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों जब 24 जुलाई 1991 के दिन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इंडिया के इतिहास का सबसे लैंडमार्क बजट सदन के सामने पेश किया तो सारी दुनिया आश्चर्यचकित रह गई, क्योंकि यही वो पल था जब इंडिया ने लगभग 4.5 दशक के अपने इकोनॉमिक मॉडल को बदलकर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के रूप में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को अपना लिया था। अपने उस बजट स्पीच में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने विक्टर ह्यूगो को कोट करते हुए कहा, नो पावर ऑन अर्थ कैन स्टॉप एन आइडिया हूज टाइम हैज कम। यानी इस धरती की कोई भी ताकत उस आइडिया को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती जिसका सही वक्त आ चुका हो। और शायद उनका ऐसा कहना सही भी था, क्योंकि उस समय भारत संकट में था, उसकी आर्थिक स्थिति विकट थी, क्योंकि 1990s की शुरुआत होते होते इंडिया में महंगाई अपनी चरम पर पहुंच चुकी थी और उसका इन्फ्लेशन रेट डबल डिजिट्स में जा पहुंचा था। यही नहीं, भारत का ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट भी जीडीपी के 7.5% के आंकड़े को पार कर चुका था और इंडिया की फॉरेन करेंसी रिजर्व केवल 15 दिन के ही इंपोर्ट्स को कवर करने में सक्षम थी। ऐसी परिस्थिति में गल्फ वॉर के इंपैक्ट के कारण इंडिया के लिए बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस अपने चरम पर पहुंच चुका था। और जैसा कि कहा जाता है कि ड्रास्टिक टाइम नीड्स ड्रास्टिक मेजर्स, भारत ने अपने इकोनॉमिक सेक्टर को लिबरलाइज और प्राइवेटाइज करते हुए ग्लोबलाइजेशन के रूप में देश के दरवाजे बाहरी दुनिया के लिए खोल दिए। लेकिन दोस्तों, जिस सही टाइम की बात मनमोहन सिंह जी अपनी बजट स्पीच में कर रहे थे, क्या सच में इन रिफॉर्म्स को अपनाने का यही सही टाइम था, या फिर हमने इन रिफॉर्म्स को करने में इतनी देर कर दी कि हमारे डेवलपमेंट की ट्रेन ही मिस हो गई? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस देरी की वजह से ही ये सो कॉल्ड ड्रास्टिक टाइम्स उत्पन्न हुए थे? और इस बात को सिर्फ इकोनॉमिकल एक्सपर्ट्स ही नहीं बल्कि हमारे देश के खुद के फॉरेन मिनिस्टर मिस्टर एस जयशंकर ने भी कहा कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करने में हुई देरी के कारण इंडिया आज भी कई प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, और कहीं ना कहीं चाइना से इकोनॉमिकली पीछे रहने का कारण भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करने में देरी है। क्योंकि जिस वक्त इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की लहर एशिया पहुंची, भारत की इकोनॉमी के बंद दरवाजों को देख चाइना ने उस लहर को खुले हाथों से अपनाया। दोस्तों, मिस्टर एस जयशंकर की ही तरह कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि एलपीजी रिफॉर्म्स की टाइमिंग की वजह से ही हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मामले में चाइना से पीछे रह गए, वरना सिनो इंडिया वॉर के ठीक बाद ही हम चाइना पर अपना वर्चस्व जमा देते। लेकिन सवाल है कैसे? तो हमारा जवाब होगा कि थोड़ा सब्र रखिए, आपके हर सवाल का जवाब इसी वीडियो में आपको मिलेगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के जीएस पेपर 3 के इंडियन इकोनॉमी सेक्शन के लिहाज से काफी ज्यादा है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, इंटरप्शन के लिए माफी, पर ये कोई ऐड नहीं है, बस आपसे एक ऐसी इंफॉर्मेशन साझा करनी है जिसकी मदद से हम एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाने की तरफ एक इंपॉर्टेंट कदम उठा रहे हैं। स्टडी आईक्यू ने अपना यूपीएससी प्री प्लस मेंस लाइव फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया है, जिसमें आपको सारा का सारा कंटेंट लाइव दिया जाएगा। 900 प्लस आवर्स का लाइव कंटेंट, 1-to-1 मेंटोरशिप, करंट अफेयर्स प्रोग्राम्स, प्रीलिम्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और भी बहुत कुछ। मात्र 18,999 के डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों, अगर आप या फिर आपके दोस्त या भाई बहन कभी भी यूपीएससी का एक सीरियस अटेम्प्ट देना चाहते हैं, तो आई डोंट थिंक इससे बेहतर मौका फिर कभी मिलेगा। एंड जस्ट टू मेंशन, ये प्राइस लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए है। दोस्तों, बैचेस में क्लासेस की शुरुआत 30th of September मॉर्निंग 8 AM से हो रही है, तो अब आप भी AG लाइव कूपन कोड यूज करके अपनी यूपीएससी की तैयारी को भारत के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ स्टडी आईक्यू के फाउंडेशन बैचेस का सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। इस बात से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिंड कमेंट में मिल जाएंगी। अब आप अपना वीडियो देख सकते हैं, बट डोंट फॉरगेट टू यूज AG लाइव, अदरवाइज यू विल से कि बाकी लोगों को कम रेट्स पे ये कोर्स मिला है। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, जब 1947 में भारत आजाद हुआ तो हमारे नेशन बिल्डर्स के सामने सबसे बड़ा प्रश्न यही था कि अब न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया को बिल्ड करने के लिए किस इकोनॉमिक मॉडल को फॉलो किया जाए।
हालांकि उस समय दुनिया सोशलिज्म और कैपिटलिज्म की दो अलग अलग सोशियो इकोनॉमिक फिलॉसफीज को फॉलो करने वाले ग्रुप्स में बटी हुई थी, लेकिन इंडिया जैसे न्यूली इंडिपेंडेंट और इकोनॉमिकली ड्रेन्ड नेशन ने अपनी नई राह बनाई और उसने मिक्स्ड इकोनॉमी के मॉडल को चुना। लेकिन इंडिया का यह मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल शुरू से ही काफी हद तक सोशलिज्म की तरफ इंक्लाइन था और उसका बड़ा कारण इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले पीएम श्री जवाहरलाल नेहरू का यूएसएसआर और सोशलिज्म की तरफ इंक्लिनेशन भी था। ऐसे में एक प्लान्ड इकोनॉमी के मॉडल को अपनाते हुए इंडिया क्लोज्ड मार्केट बन गया, जहां इंडस्ट्रियल सेक्टर हो या फिर एग्रीकल्चर इनपुट्स, सब कुछ एक हद तक स्टेट के कंट्रोल में ही था। यही नहीं, इंपोर्ट्स के लिए भी एक फिक्स्ड कोटा रखा जाता था, जिसके पीछे तर्क था कि ऐसा करने से इंडिया के लिमिटेड फॉरेक्स को बचाया जा सकेगा और साथ ही न्यूली ग्रोइंग इंडियन इंडस्ट्रीज को भी डेवलपमेंट के अवसर मिलेंगे। अपने शुरुआती दौर में इस इकोनॉमिक पॉलिसी के बहुत से पॉजिटिव इफेक्ट्स भी देखने को मिलने लगे थे, जैसे इंडिया के पीएसयूज, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स जैसे डैम्स के डेवलपमेंट में तेजी आ रही थी और ओवरऑल प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ने भी लगी थी। लेकिन सेकेंड फाइव ईयर प्लान आते आते इन प्लान्स में इन्वेस्टमेंट्स का डेफिसिट देखने को मिलने लगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि सभी मेजर इंडस्ट्रीज और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट के कंट्रोल में ही थे, तो ऐसी स्थिति में इन पर इन्वेस्ट करने के लिए फंड जुटाना भी गवर्नमेंट की ही जिम्मेदारी थी, जो प्राइवेट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के अभाव में मुश्किल हो रहा था। यही नहीं, इन्वेस्टमेंट के अभाव में उस समय इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन एग्रीकल्चर सेक्टर भी स्ट्रगल कर रहा था और इन सारी परिस्थितियों की वजह से इंडियन इकोनॉमिक क्राइसिस का आगाज हो चुका था। तो चलिए अब हम इस क्राइसिस की शुरुआत और आफ्टरमैथ पर भी गौर कर लेते हैं। दोस्तों, इंडिया के दरवाजे पर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस ने पहली दस्तक 1958 में इंडिया के सेकेंड फाइव ईयर प्लान के दौरान दी। तब सिचुएशन इस कदर खराब थी कि बड़े बड़े थिंक टैंक्स का भी यही मानना था कि इंडिया के डेवलपिंग बट इनकम्प्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट को पूरा होने के पहले ही इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व्स खत्म हो जाएंगे। ऐसे में 1958 में ही वर्ल्ड बैंक के नेतृत्व में एड इंडिया कंसोर्टियम ऑर्गेनाइज किया गया, जिसका एम था इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को सपोर्ट करने के लिए एक इंटरनेशनल सपोर्ट सिस्टम बनाना। ये वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट यूगीन ब्लैक और उस समय यूएस के फर्स्ट सेनेटर और बाद में यूएस प्रेसिडेंट रहे जॉन एफ कैनेडी के प्रयास ही थे, जिस वजह से इंडिया को अगले दो सालों तक $1 बिलियन की मदद देने का फैसला लिया गया। यही नहीं, थर्ड फाइव ईयर प्लान के खत्म होने तक यूएसए की ओर से $1.5 बिलियन और $500 million के वीट सप्लाई करने का आश्वासन भी दिया गया। लेकिन इन एफर्ट्स के बावजूद भी अर्ली 1960s में इंडियन इकोनॉमी की दुर्दशा को इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स की भाषा में क्वाइट क्राइसिस का नाम दिया जाने लगा था, क्योंकि उनका मानना था कि ये क्राइसिस, जो अभी शायद इतनी बड़ी नहीं दिख रही है, वो एक क्वाइट वोल्केनो है जो कभी भी फट सकती है। और उसका कारण था इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन की कमी और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ना के बराबर होना। साथ ही इंडिया की जीडीपी और उसके एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो में सबसे बड़ा शेयर रखने वाला एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्शन ग्रोथ भी वर्चुअली फ्लैट थी, जिसे मिड 1960s में आए दो कंसेक्यूटिव ड्रॉट्स ने और भी ज्यादा नीचे गिरा दिया था। वहीं सिनो इंडियन वॉर और इंडो पाक वॉर्स की वजह से इंडिया को अपना डिफेंस बजट भी जीडीपी के 2% से बढ़ाकर 4% करना पड़ा था। ऐसे में उसके पब्लिक पर्स और फॉरेक्स रिजर्व्स दोनों पर भार बढ़ता जा रहा था। ऐसे में थर्ड फाइव ईयर प्लान के एम्बिशियस पब्लिक स्पेंडिंग और स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस भारत के दरवाजे पर खड़ा था। यही नहीं, 1966 एंड 67 तक स्थिति ये थी कि इंडिया अपने डेट्स के प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पे करने में ही अपने टोटल एक्सपोर्ट अर्निंग का 21% तक खर्च कर रहा था। लेकिन इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने और भी ज्यादा रिग्रेसिव स्टेप्स ले लिए। एक्सपोर्ट और प्रोडक्शंस को और बढ़ाने पर ध्यान देने के बजाय गवर्नमेंट ने इंपोर्ट कंट्रोल्स और ज्यादा बढ़ा दिए, ताकि बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट को कम किया जा सके। लेकिन इसके आफ्टर इफेक्ट से इंपोर्ट डिपेंडेंट इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और एसोसिएटेड एक्सपोर्ट्स और भी ज्यादा कम हो गए। ऐसे में 1964 एंड 65 में हेडलाइन इन्फ्लेशन बढ़कर 11% और फूड इन्फ्लेशन 20% हो गया, जो प्रोडक्शन में आई गिरावट की वजह से अगले कुछ सालों में और भी बढ़ता चला गया। सिचुएशन खराब थी और ऐसे में एड इंडिया कंसोर्टियम ने अमेरिकन इकोनॉमिस्ट बर्नार्ड बेल की अध्यक्षता में एक कमीशन बनाई। इस कमीशन का काम इंडिया के इकोनॉमिक कंडीशन को एनालाइज करना था। यहां हम आपको बता दें कि बर्नार्ड बेल को तब तक इंडोनेशिया और इजरायली इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए रिकॉग्निशन मिल चुकी थी,
ऐसे में उन्होंने भारत के लिए भी कुछ सुझाव दिए। तो आइए अब हम उन्हें और उन सुझावों पर भारत के रिस्पॉन्स को भी थोड़ा जान लेते हैं। दोस्तों, इस कमीशन का डायग्नोसिस सरप्राइज करने वाला नहीं था। उनका कहना भी यही था कि एग्रीकल्चर आउटपुट कम होने की वजह से इंडिया को हाई अमाउंट में सीरियल्स इंपोर्ट करने पड़ते थे, और जैसा हमने आपको बताया कि उस समय इंडिया फॉरेक्स और बैलेंस ऑफ ट्रेड को ध्यान में रखते हुए इंपोर्ट्स के लिए एक फिक्स्ड कोटा रखता था। ऐसे में हाई सीरियल इंपोर्ट की वजह से फर्टिलाइजर्स और इंडस्ट्रियल इनपुट के लिए जरूरी इंपोर्ट्स नहीं हो पाते थे, जिस कारण ऐसी साइकिल बन गई थी कि जिसकी वजह से एग्रीकल्चर के लो प्रोडक्शन ही पूरी इकोनॉमी के लो प्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार था। इस रिपोर्ट से सुझाव लेते हुए और स्थिति की गंभीरता को समझते हुए लाल बहादुर शास्त्री ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने की ठानी। इस बीच शास्त्री जी की कैबिनेट के फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर सी सुब्रमण्यम ने भविष्य में शुरू होने वाले ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए भी जमीनी तैयारी करनी शुरू कर दी थी। वहीं दूसरी ओर बेल कमीशन की रिपोर्ट आने से पहले सितंबर 1963 में टी स्वामीनाथन की अध्यक्षता में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रोसीजर्स कमेटी सेटअप की गई, जिसने 1965 में अपनी रिपोर्ट में ये सजेस्ट किया कि जिन इंडस्ट्रीज में किसी भी तरह के इंपोर्टेड इनपुट्स या मशीनरी की जरूरत नहीं है, उनकी कंप्लीट डीलाइसेंसिंग की जानी चाहिए। इस कमेटी की इस ऑब्जर्वेशन से एग्री करते हुए बेल कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट में इंपोर्ट्स को सब्सटेंशियली डी कंट्रोल और एक्सपोर्ट सब्सिडीज को रैशनाइज करने के साथ साथ इंडस्ट्रियल डीलाइसेंसिंग और प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने का सजेशन दिया। शास्त्री गवर्नमेंट ने दोनों रिपोर्ट्स की बात से एग्रीमेंट शो करते हुए इंडिया में कुछ इंडस्ट्रीज की डीलाइसेंसिंग शुरू कर दी, लेकिन इंडस्ट्रीज सिर्फ वही रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट कर सकती थी जो इंडिया में अवेलेबल नहीं थे। ऐसे में इस डीरेगुलेशन का इम्पैक्ट काफी कम था, क्योंकि इंडिजिनस नॉन अवेलेबिलिटी के क्लॉज की वजह से ये इंडस्ट्रियल डीलाइसेंसिंग बहुत सब्जेक्टिव हो गई थी। पर फिर भी इंडस्ट्रियल डीरेगुलेशन की तरफ भारत ने अपने कदम उठाने शुरू कर दिए थे। इस दिशा में बेल कमीशन ने इंडिया को अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए करेंसी को डीवैल्यू करने का सुझाव दिया, लेकिन अब तक बेल कमीशन के सुझाव से एग्री करने वाले शास्त्री और उनकी कैबिनेट ने इस सुझाव को अपनाने में हिचक दिखाई, क्योंकि इंडिया जैसे इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री के लिए अपनी करेंसी को डीवैल्यू करना न केवल दोधारी तलवार थी, बल्कि इंडिया के लिए प्रतिष्ठा का मुद्दा भी था। इस बारे में विचार विमर्श चल ही रहा था कि इसी बीच इंडो पाक युद्ध छिड़ जाने से यूएसए ने अपनी नॉन इंटरफेरेंस की स्क्यूट पॉलिसी अपनाते हुए दोनों ही देशों को एड देना बंद कर दिया। अमेरिका के इस स्टेप का असर ये हुआ कि फॉरेन फंड की नीड के चलते 1965 के एंड तक भारत अपनी करेंसी को डीवैल्यू करने के लिए मजबूर हो गया। लेकिन इससे पहले कि इस पे फैसला हो पाता, ताशकंद में जनवरी 1966 में शास्त्री जी की मृत्यु हो गई, और 25th ऑफ जनवरी 1966 को इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी, और जिस वजह से करेंसी डिवैल्यू होने का फैसला 6th ऑफ जून 1966 को ही इंप्लीमेंट हो पाया, जिसके अकॉर्डिंग डॉलर के मुकाबले रुपी की वैल्यू 4.76 के बजाय गिरकर 7.5 रुपीज हो गई। बहुत से अर्थशास्त्रियों का मानना है कि ये वो मूवमेंट था जहां इन रिफॉर्म्स में कॉन्फिडेंस दिखाने और इन्हें और ज्यादा इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किए जाने की जरूरत थी, क्योंकि अगर हम उस समय ऐसा करते तो शायद 1991 का क्राइसिस कभी आता ही नहीं, बल्कि इंडिया आज एक इकोनॉमिक सुपर पावर बन चुका होता। लेकिन ऐसा फैसला एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट ही दिखा सकती थी जो उस समय भारत में मौजूद नहीं थी। इसलिए यहां इंडिया की इकोनॉमिक पॉलिसी का सबसे बड़ा यूटर्न आना अभी तक बाकी था। तो क्या था ये यूटर्न जिसने अब तक किए गए सभी प्रोग्रेसिव इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पर पानी फेर दिया? चलिए अब हम इसके बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों, शास्त्री गवर्नमेंट ने एड इंडिया कंसोर्टियम, वर्ल्ड बैंक और इंडिया के इंटरनल कमीशन्स के आधार पर जो रिफॉर्म शुरू किए थे वो ग्राउंड ब्रेकिंग थे, और जैसा हमेशा होता है जब किसी व्यवस्था में कोई अंतर लाया जाता है तो उससे शुरुआती दिक्कतें आती ही हैं। इसका प्राइम एग्जाम्पल अभी हाल ही में हुए हमने GST के इम्प्लीमेंटेशन के दौरान भी देखा था। ऐसी ही दिक्कतें उस वक्त इंडियन इकोनॉमी में भी देखने को मिली, साथ ही इंडिया के इन रिफॉर्म्स के साथ ही सक्सेसिव ड्रॉट ईयर से बढ़ता फूड क्राइसिस, इंडो पाक वॉर और यूएसए की चेंज्ड रेजिम के कोइंसिडेंस से इन रिफॉर्म्स को ठीक तरह से इंप्लीमेंट होने का टाइम ही नहीं मिला। वहीं 1960s खत्म होते होते यूएसए वियतनाम वॉर में इंडिया के प्रो वियतनाम स्टैंड से यूएसए और इंडिया के रिश्ते खराब हो गए थे, जिसकी वजह से यूएस प्रेसिडेंट लिंडन बी जॉनसन ने इंडिया के लिए दिए जाने वाले अपने फूड एड पर शिप टू माउथ पॉलिसी अपनाते हुए इंडिया के लिए एक मैन मेड सर्वाइवल क्राइसिस पैदा कर दी थी।
वहीं दूसरी ओर जब इंदिरा गांधी 1967 में दोबारा चुनाव जीतकर पीएम बनी तो इंडिया में तेजी से बदलती सिचुएशंस और इंडियन ट्रेडिशनल थिंकर्स के दबाव में उन्होंने खुद के लिए एक बिल्कुल उलट अप्रोच चुन ली थी। इंडिया में बिगड़ते हालात में अपनी पॉलिटिकल कैपिटल और जनता के बीच अपनी पॉपुलैरिटी को प्रायोरिटी देते हुए इंदिरा गांधी ने इन इकोनॉमिक पॉलिसीज को अबॉर्ट करने का फैसला ले लिया। साथ ही इंदिरा गांधी ने अपने लिए रेडिकल पॉपुलिस्ट के रूप में एक न्यू पॉलिटिकल आइडेंटिटी बनाने पर जोर दिया और यहां से इकोनॉमिक इंटेलेक्ट और एक्सपेक्टेड लिबरलाइजेशन के विरुद्ध जाते हुए उन्होंने बैंक्स, इंडस्ट्रीज, कोल, ऑयल सभी का लार्ज स्केल नेशनलाइजेशन शुरू कर दिया। यही नहीं, अपने पॉपुलिस्ट प्रोग्राम्स और पॉलिसीज के लिए भी पानी की तरह पैसा बहाया गया। जहां कुछ सालों पहले तक डी लाइसेंसिंग और प्राइवेटाइज इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही थी, वहीं इंदिरा गांधी और उनके सक्सेसर पीएम्स ने भारत में लाइसेंस राज स्थापित कर दिया, जिसने इकोनॉमी में रेड टेपिज्म और रेगुलेशन को और ज्यादा बढ़ा दिया। इस तरह आने वाले दो दशक में पॉलिटिकल माइलेज के लिए इकोनॉमिक डिग्रेडेशन का दौर चलता रहा और इसी का रिजल्ट है कि 1991 में भारत अपना सोना गिरवी रखने को मजबूर हो गया था। दोस्तों, जैसा हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया कि 1990s की शुरुआत होते होते इंडिया की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी डगमगाने लगी थी और वो अपने लोन्स और पेमेंट्स को डिफॉल्ट करने की कगार पर खड़ा था, जिस वजह से इंडिया के लिए बेलआउट प्राप्त करने के लिए IMF के दरवाजे पर दस्तक देना मजबूरी हो गई थी। इस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इमीडिएट रिस्पॉन्स यही था कि किसी तरह IMF से एमरजेंसी लोन हासिल किया जा सके, जिसके लिए अपकमिंग जनरल इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए बिना किसी प्रेस रिलीज के गुपचुप तरीके से इंडियन गवर्नमेंट ने इंडिया का 67,000 किलोग्राम सोना गिरवी रख दिया, जिसमें से 47,000 किलोग्राम गोल्ड बैंक ऑफ इंग्लैंड में और 20,000 किलोग्राम ऑफ गोल्ड यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड भेजा जाना था, लेकिन इन्हें ले जाने वाली RBI की आर्मर्ड वैन का टायर मुंबई एयरपोर्ट के रास्ते में ही बस्ट हो जाने से ये बात मीडिया की नजरों में आ गई और इस खबर के फैलते ही पब्लिक प्रोटेस्ट और हाहाकार का एक लंबा दौर चला, क्योंकि इसे सरकार की देश और जनता के प्रति बेमानी माना गया। लेकिन गवर्नमेंट और जनता दोनों ही परिस्थितियों की वजह से मजबूर थे। ऐसे में पब्लिक बैकलाश के चलते VP सिंह गवर्नमेंट तो गिर गई, लेकिन उनकी जगह न्यूली इलेक्टेड नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के लिए भी इन रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करना मजबूरी हो गया था। ऐसे में ये समझना मुश्किल नहीं है कि 1991 के रिफॉर्म्स बाई चॉइस या इंडिया के बेटर फ्यूचर के लिए नहीं लिए गए थे, बल्कि इस सिचुएशन को पॉलिटिकल साइंस की लैंग्वेज में टीना कहा जाता है। इसका मतलब है देयर इज नो अल्टरनेटिव। और इसकी वजह ये थी कि अब तक भारत की सरकारों ने अपने राजनीतिक लाभ के चलते अर्थव्यवस्था के लिए वो फैसले समय पर नहीं लिए जिनकी हमारे देश को सबसे ज्यादा जरूरत थी। इसलिए 1991 के ये LPG रिफॉर्म्स एक रिफॉर्म ना होके एक करेक्शन ऑफ मिस्टेक थी, ऐसी मिस्टेक जिसकी नींव भारत ने आजादी के साथ ही रख दी थी, और ऐसी मिस्टेक जो अगर 1960s में ही सुधार दी जाती तो आज एशिया का इकोनॉमिक सेंटर चाइना ना होकर इंडिया होता। अब आप पूछेंगे कि वो कैसे, तो चलिए अब हम इस गुत्थी को भी सुलझा लेते हैं। दोस्तों, भारत और चाइना लगभग साथ ही आजाद हुए थे और अपनी आजादी के बाद जैसे इंडिया ने सोशलिस्ट मॉडल पर बेस्ड प्लान्ड इकोनॉमी को चूज किया, उसी तरह चाइना ने भी कम्युनिस्ट लाइंस पर चलते हुए एक क्लोज्ड इकोनॉमिक मॉडल चुना था। अगर हम 1960 की स्थिति में इन दोनों देशों को कंपेयर करें तो हम पाएंगे जहां 1960 में इंडिया की पर कैपिटा GDP लगभग $81 थी, वहीं चाइना की $89 थी। इस आंकड़े से हम कह सकते हैं इंडिया और चाइना की शुरुआत लगभग एक सी ही थी। लेकिन अगर हम इन दोनों देशों के 2016 के आंकड़े को कंपेयर करें तो हम पाएंगे जहां 2016 में चाइना का पर कैपिटा GDP $8,123 था, वहीं इंडिया का GDP पर कैपिटा $1,700 था, यानी 79% कम। ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि साथ साथ शुरू हुए इन देशों में 6 दशक में इतना अंतर कैसे आ गया, तो उसका सीधा जवाब है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। दोस्तों, चाइना ने यही लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन से जुड़े इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेट 1970s में ही शुरू कर दिए थे और ये बात भी सही है कि इन रिफॉर्म्स को लागू करने की वजह से चाइना को शुरुआती दौर में काफी स्ट्रगल भी करना पड़ा। यही वजह है कि अगर हम इंडिया और चाइना की 1987 की नॉमिनल GDP को कंपेयर करें तो हम पाएंगे कि ये लगभग बराबर थी, लेकिन अर्ली रिफॉर्म्स करने की वजह से चाइना ने इसका फायदा 1990s और 2000 के पहले दशक में उठाया, जिसमें उसने खुद को वर्ल्ड फैक्ट्री के तौर पर खड़ा कर लिया, जबकि लेट एंड स्लोअर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की वजह से इंडिया इस दौड़ के शुरुआती दौर में
पिछड़ गया था। अगर वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो शास्त्री गवर्नमेंट ने शुरू किए थे, यदि हम उन्हें ठीक से इम्प्लीमेंट करते तो हम इस दौड़ में कब का आगे निकल चुके होते। इसलिए 1991 में हुए इन रिफॉर्म्स को एक रिफॉर्म के बजाय करेक्शन ऑफ अनपैरेलल्ड मिस्टेक्स कहा जाए तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। दोस्तों, आंकड़ों और पास्ट एनालिसिस को देखकर ये साफ पता चलता है कि इन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के आइडिया का वक्त तो 1991 में हुए इंडिया के एक्सट्रीम इकोनॉमिक क्राइसिस के लगभग 3 दशक पहले ही आ गया था, जिसे यदि उस वक्त इंप्लीमेंट किया जाता तो इंडिया ग्लोबल इकोनॉमिक लेवल पर शायद अब तक वर्ल्ड पावर बन चुका होता। लेकिन कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए, वैसे ही अब हम भी इससे सबक सीखते हुए इकोनॉमिक डेवलपमेंट की राह पर सरपट भाग रहे हैं। यही कारण है कि अब LPG 2.0 रिफॉर्म्स की बातें होने लगी हैं और ऐसे अवसर तलाशे जाने लगे हैं कि कैसे हम अब इंडियन इकोनॉमी को और ज्यादा लिबरलाइज कर सकते हैं। इसी दिशा में भारत सरकार के प्रयासों से भारत में स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसका परिणाम हम इन्वेस्ट इंडिया के लेटेस्ट अवेलेबल डेटा में भी देख सकते हैं, जिसके मुताबिक जुलाई 2022 की स्थिति में इंडिया में 105 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स थे। यही नहीं, इनमें से 63 यूनिकॉर्न्स 2020 के बाद ही एस्टैब्लिश किए गए हैं। यहां हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यूनिकॉर्न कंपनीज उनको कहा जाता है जिनकी टोटल वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा की होती है। इंडिया में ऐसे यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स का टोटल वैल्यूएशन $338.50 बिलियन है। यही नहीं, आज इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है और इस दशक के अंत तक इसके 3rd पोजीशन पर पहुंचने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। ऐसे में इंडिया के फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल को आप खुद ही समझ सकते हैं और शायद वो दिन दूर नहीं जब ये इस दुनिया के शिखर पर होगा। तो दोस्तों, ये थी एक केस स्टडी जहां पे हमने डिस्कस किया कि डॉक्टर एस जयशंकर ने रिसेंटली जिन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात करी है वो भारत के लिए कितने जरूरी थे। लेकिन हमें इस बात को भी नकारना नहीं चाहिए कि पास्ट में रहने का कुछ फायदा नहीं है। अब हमें सर उठाकर अपनी पास्ट की गलतियों से सीखते हुए आगे काम करने की जरूरत है और जो भी पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज हमारे पास प्रेजेंट हैं उनको पूरी एफिशिएंसी के साथ यूटिलाइज करना है। और एक बात को कहने के साथ मैं इस वीडियो का अंत करना चाहूंगा और वो ये कि एक देश को महान बनाने में जितना बड़ा रोल एक सरकार का होता है, उससे कहीं बड़ा रोल उस देश के वासियों का होता है। तो कभी अगर आपके मन में ये सवाल आए कि हमारे देश को महान कौन बना सकता है, तो भिन्न भिन्न सरकारों के नामों के साथ आप खुद का नाम भी जोड़ सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही, पर जैसे कि मैंने वीडियो के पहले भाग में आपको बताया था कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस UPSC मेंस के लिहाज से काफी ज्यादा है और उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, एस इज इंडियाज 1991 लिबरलाइजेशन रिफॉर्म्स एंड द लेसंस इट ऑफर्स इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स। एंड विद दिस क्वेश्चन माई फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ साझा करना मत भूलिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।